हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अफशास किचन। आज हम बनाएंगे मटन रोगन जोश। फ्रेंड, बनाने से पहले मेरी गुजारिश है, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मटन रोगन जोश बनाने के लिए चाहिए हमें 1 किलो मटन ले लेंगे, और अब हम ले लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे 2 बड़े चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे 2 बड़े चम्मच, 1 बड़ा चम्मच नॉर्मल मिर्च ले लेंगे, गरम मसाला ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच, स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर ले लेंगे और कुछ गरम मसाले ले लेंगे, जैसे ज़ीरा और लौंग, इलायची, बड़ी इलायची दोनों तरह की, और काली मिर्च, जावेत्री बदने का फूल, और थोड़ा सा तेज पत्ता, और दही ले लेंगे 1 कटोरी, धनिये के पत्ते ले लेंगे फ्रेश, और पकाने के लिए तेल ले लेंगे। फ्रेंड, हम एक वेसल ले लेंगे, मतलब कुकर ले सकते हैं आप, बड़ा जैसा भी हो, और उसमें हम तेल डालेंगे 2 बड़ा चम्मच, तेल थोड़ा ज़्यादा डालें, दैट्स इट। इसको अच्छे से गर्म होने दें। फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें गर्म मसाले शामिल कर देंगे, थोड़ा सा इसको क्रैक होने देंगे। अब इसमें मटन शामिल कर देंगे, इसको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। फ्रेंड्स, नमक शामिल कर देंगे स्वाद अनुसार, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे नॉर्मल वाला, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसकी फ्रेंड भुनाई करेंगे 5-10 मिनट तक, फिर स्वाद अच्छा आएगा। फ्रेंड, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, अगर आपका कश्मीर की वाली होल मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं। गरम मसाला ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, और उसको अच्छे से भूनेंगे। इसमें फ्रेंड्स प्याज भी डलती है, सिर्फ यही चीज़ें डलती। फ्रेंड्स, इसमें दही डाल देंगे, फेट के डाल दीजिए, इसकी डायरेक्ट भी डाल सकते, नो प्रॉब्लम। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, में 1-2 गिलास पानी डाल देंगे गलाने के लिए, जितना ज़रूरत है। 4-5 सीटी लगाएंगे बस, ज़्यादा नहीं, दैट्स इट। अब इसको बंद कर देंगे, फिर आपको कुकर पे निर्भर करता है कितना सीटी लगेगी, जल्दी गलेगा। अब इस पर हम लीड लगा देते, इसको लीड लगा के 4-5 सीटी आने तक हम पकाएंगे। फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि हमारा गोश्त जो है गला कि नहीं, देखते हैं। आपको शोर हुआ, गल तो गया है, देखिए अच्छा टेंडर है, ज़्यादा हलवा भी नहीं करना है इसको, एकदम ज़्यादा गलाना भी नहीं है। अब थोड़ा सा आप इसको पानी जो है खुश हो जाने दें, सूख जाने दें। फ्रेंड्स, को सर्व कर लेते हैं, देखिए जैसा भी आप पानी रखें इसको, अब इसको हम सर्व करेंगे। फ्रेंड, बंद कर दें गैस, इसको आप सर्व कर लीजिए, शोरबेदारी बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा डन है, इसको आप धनिया पत्ती से सर्व करिए, बहुत बढ़िया लगेगा ठंडों में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शुक्रिया।